बनाई गई बायोगैस प्लांट और बहुत सारी इस संदर्भ की बातें आइए सुनते हैं उनसे। श्री चंद्रमोहन जी, कृपया हमें 2-3 मिनट में श्री माता जी गौशाला के महान कार्यों के बारे में अवगत कराएं। ओवर टू यू। जय गौ माता, जय गोपाल। हम डॉक्टर जानी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको अपने साथ इसमें रखा और उन्होंने विजिट भी किया। माता जी गौशाला रमेश बाबा जी की प्रेरणा ही है, जहाँ 55,000 गाय गौवंश का अभी वहां पर है और एक बहुत अच्छा मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया है गाय के लिए स्पेशली। तो डॉक्टर जानी का प्रेम गौ माता के लिए इतना है कि अभी उन्होंने हमको एक प्रेरणा दी थी कि गाय के उपचार के लिए आयुर्वेदा को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए उन्होंने हमको बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं। तो हम फिर से आभारी हैं डॉक्टर जानी के, उनके स्नेह के, गौ माता के प्यार के। और आपको थोड़ा सा बताते हैं, बरसाना जो है ये राधा जी का गांव है। राधा जी के पिताजी वृषभानु जी की 11 लाख गाय थी उस समय, बताते हैं। तो गाय ये वो एरिया है जहां पर कृष्ण भगवान और राधा जी बचपन में उस जगह रहे हैं और गौओं के साथ कैसे विचरते थे। आप सब लोगों से प्रार्थना है, कभी भी मौका लगे तो वहां पर हमारी माता जी गौशाला में रहने की भी व्यवस्था है, और आप लोग सब लोग आए वहां पर, औरों को भी प्रेरित करें कि स्वयं आके 55,000 गाय के दर्शन। करें वहां पर बायोगैस प्लांट से लगाया है कोई के साथ, हमारी नोडल एजेंसी है, और अब हम उसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। 500 टन पर डे गोबर और जो चारा गाय का वेस्ट हो जाता है, जब हम गाय को चारा डालते हैं इतने हाई लेवल में, 400-500 टन चारा रोज का हम लोग जो डालते हैं गाय को, गौ माता को, तो वो उसमें से कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी गोबर में मिक्स करके उससे हम कंप्रेस बायोगैस बनाने की अभी हम लोग अपने इंडिजिनियस भारतीय उससे ही करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर जानी का आभारी हूँ और उनसे प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद हमको दे रखें, और जो हमारा हमको जो उन्होंने गाइड किया है और जो उनका संकल्प है गौ माता के लिए आयुर्वेदा को कैसे आगे बढ़ाना है, हमको उनसे बहुत आशा है, और हम आशा है हम इसको और आगे, इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे जी। और बहुत प्रेरणादायी रहा हितेश सर के द्वारा हमको आप जैसे व्यक्तित्व का हमको बहुत लाभ हुआ, सुनने का एक मौका मिला है। तो आगे फिर बढ़ते हैं। डॉक्टर जानी जी को मैं कहूंगी कि लाइफस्टाइल टिप्स, जो आज के जमाने में हमको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत जरूरत है, तो उनसे सुनते हैं जिसमें अपना और दूसरों का जीवन हम स्वस्थता से जी सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर जानी जी। नमस्ते, कैन यू हियर मी? यस सर। सुनाई दे रहा है अभी? यस हेलो। यस सर। हाँ, आज मैं आपको गाय के घी के बारे में वो बताऊंगा जो हम सब कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि दिनचर्या अगर अच्छी रही, हमारे लाइफस्टाइल में दिनचर्या और ऋतुचर्या का बड़ा महत्व है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है तो हम बीमार होंगे नहीं। हम ऋतु में कौन सी ऋतु में कैसे खाना वो भी ये हमें मालूम नहीं। तो आयुर्वेद ने दो बातें खास बताई कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, जिसको हमने एक उसी ऋषि मुनियों का ही बताया है कि हित भूख मित्त भूख ऋत भूख। तो अपने तासीर के अनुसार खाओ, दो नेवला टू बाइट कम खाओ और ऋतु के हिसाब से खाओ। तो ये शरद ऋतु की स्पेशल नवरात्रि चल रही है, तो आपको वैसे दिनचर्या में डेली उपयोग है, लेकिन इस ऋतु में सबसे ज्यादा उपयोग है और वो है प्रतिमर्स नस्य, नेजल ड्रॉप्स। जो गाय के घी का दो बूंद दोनों नथुनों में अगर हम ड्रॉप्स डालते हैं तो आपको दिन में बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के करिए और रात को करिए तो नींद अच्छी आ जाएगी, पित्त का प्रकोप नहीं होगा,
और आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन या ऐसा कुछ हो तो भी आपका कम हो जाएगा। और वो डेली, वैसे तो बाकी ऋतुओं में तेल डाल सकते हैं लेकिन इस ऋतु में आप देसी गाय के घी का 2 बिंदु सुबह 2 बिंदु शाम को डालिए और आप उसका जादू देखिए। पूरा 1-2 महीने आप शरद ऋतु में आप करते रहिए और आपका नाक में से कफ नहीं बनेगा, आपका स्वास्थ्य दिक्कत होगी, आपकी आंखों का तेज बढ़ेगा, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, आपको नींद अच्छे ढंग से आ जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर अगर है तो भी उसमें कम होने में सहायता मिलेगी। तो बस मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल की डेली कुछ टिप्स होती है, उसमें भी गाय के घी का और शरद ऋतु में आप इसका प्रयोग करिए। वैसे सब जानते हैं, उसमें कोई गंभीर नहीं है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये तो हमारी दादी नानी हमारे माता पिता सब लेकिन हम करते नहीं है। जैसे अभी हमारे 2 एक्स पेशेंट ने बताया इरेन भाई और उनकी पत्नी ने कि सूंठ का कितना जादू है, वो भी एक प्रदमन नस है, वो तो ड्राई जिंजर का कोरोना के लिए है लेकिन कोरोना आए नहीं, हमारा जीवन स्वस्थ रहा है, हमें कभी सर्दी जुकाम हेडेक ये माइग्रेन ये अनिद्रा कुछ हो ही नहीं। तो इसके लिए ये प्रतिमर्स 2 बिंदु इसकी मात्रा है, दिन में आप कम से कम 2 बार डालिए और इस ऋतु में आप घी के साथ में समाप्त। थैंक यू सर। जैसे कल हमने देखा कि पहले दिन दिवस के जो प्रसादी होती है वो घी होता है, तो आज सर ने हमको वही लाइफस्टाइल के टिप्स में बताया कैसे गाय के घी को हम नस्य की तरह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल विशेषज्ञ जो श्री सुनील मानसिंह जी हैं, जो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित देवलापार नागपुर के समन्वयक हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, भारतीय जंतु कल्याण बोर्ड, उनकी तरह अनुसंधान समिति भारत सरकार के सदस्य हैं, देश के ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए साबित होगा यह श्री सुनील जी का सरकार धारणा है। देश अपने आयुर्वेद का वाक्य मैं आगे का नहीं बोलता हूँ, मुझे वो पहले वहीं से प्रणाम करते हुए और नवरात्रि में बहुत सारे हृदय जी हमारे मुख्य वैद्य है जो पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा देश भर में ले जाने का क्रम और वो जामनगर की जिसको बोलते एक पश्चिम का हमारा देश का एक किनारा है और एक बहुत मंगल प्रयास। और अब की बार तो विशेष हो गया कि नवरात्रि को उन्होंने देश के लिए एक प्रकार से द्वार खोल दिया, नहीं तो वो पूरा अनुष्ठान करते हैं 9वें दिन में जिनका संदेश आता है कि अभी वो मोहन और बाकी का सब और ये पुण्य अर्पण करना है, वो हर साल के क्रम जो था और इस साल उन्होंने 9 दिन का ये महाप्रसाद। तो मैं भी कार्यक्रम में चूंकि वो बंधन में बन गए तो मैं पूरा देख रहा था इतनी विधा के सभी वैद्य, तो मेरे कुछ उसके अंदर विशेष सूचनाएं हैं कि ये बहुत महत्व की क्रांति जो पंचगव्य आयुर्वेद देशी गोवंश जो हमारे जीवन का आधार रहा है और भारत के अंदर भारत को ये बताने की जरूरत, और इस समय जो हमारे से हमारे लोगों की एक प्रकार से लड़ाई में सीधा बोल सकता हूँ क्योंकि अभी जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसे ही आयुर्वेद को अनुमति बाकी बात हुई तो सारे एलोपैथी या अंग्रेजी चिकित्सा वाले जिनके रोंगटे खड़े हो गए या जो जिनके कान खड़े हो गए और जो विरोध के लिए खड़े हो गए, तो पहला आप सबसे आग्रह रहेगा कि सब लोग वैद्य लिखे और वैद्य रूप में प्रतिष्ठित होना है। भारत के आयुर्वेद को उसमें पंचगव्य आयुर्वेद बहुत महत्व का है जो कोरोना पर इस पर जो काम विस्तार से हितेश जी ने एक बीड़ा उठाया और जो काम वहां पर अहमदाबाद में फिर हमारे दिलीप भाई शाह गोपाल जी सुतारे सभी लोग बड़ी टीम है और देश भर में जो क्रांति चल रही है, तो आप सबसे विशेष प्रार्थना रहेगी कि पहला काम कि हम लोग क्योंकि आयुर्वेद जो भारत की नहीं पूरे विश्व की धरोहर और भारत ने यह संदेश दिया, तो इस समय ये काल में अब जो पैसे की दुकानदारी और जो छल कपट षड्यंत्र जो भी चल रहा था, अभी आपने छोटी छोटी झलक 5-5 मिनट की 2-4 मिनट में संगीत आ गया, योग प्राणायाम आ गए, आयुर्वेद आ गए, इसमें कुछ हमने पत्ते से लेकर अभी घी की बात, यानी हर चीज बहुत ज्यादा गहराई में है, पूरा पूरा दिन एक एक सत्र लिया जाए तो कम है, इतना बड़ा महाज्ञान खाली इसके सूत्र रूप में भी शुरुआत हुई, तो ये देश भर में ये अच्छा हुआ कि ये संदेश
अब ये प्रसार माध्यम आगे बढ़ गए तो इसको ले जाना है और समाज को एक सुखमय जीवन की तरफ। तो नवरात्रि का एक बहुत महत्वपूर्ण जो अमूल्य संदेश आप सबके माध्यम से हो रहा है, तो इसको क्योंकि लोकायुर्वेद मतलब हमने पहले से ही बोला था कि पंचकर्म आयुर्वेद घर घर की सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि पश्चिम का आसुरी आतंक वो MDR ला सकता है, AMR ला सकता है, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस और लाइफ स्टाइल डिसीज, दुनिया भर की समस्या है। अभी हम लोग देखते कभी ऑटो इम्यून डिसीज, कभी क्या, ये सब पर पंचकर्म आयुर्वेद मात कर रहा है। आपकी विधा में और हिते जी तो हर जगह हमारे सभी केंद्रों में उनका प्रवास, आरोग्य भारती में आयुर्वेद व्यासपीठ सभी जगह उनका और उनकी पहचान ही पंचकर्म आयुर्वेद बन गई, बहुत महत्व की बात है कि देशी गोवंश हमारा जो ये सारा देश के धरोहर आधार स्तंभ है। तो आप सबसे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महत्व का पक्ष और में तो समाज को ये वरदान हमको देना है, तो इसलिए इसको अवसर लेकर ये सारे घर घर तक ये ज्ञान, क्योंकि अज्ञान जैसे भी शुरुआत में बताया कि पहले हम सोचते थे आयुर्वेद धीरे धीरे प्रभाव करता है, आयुर्वेद के अंदर काढ़ा और ये सब बातें, और वो पूरी चीजें जैसे इलाज हुआ तो सारा बुखार जिसको बोलते सारा खुमारी उतर गया, उनको ध्यान में आ गया कि आयुर्वेद की पहचान क्या, आयुर्वेद का महत्व क्या है। अब नागपुर में हमारे लोग दो वैद्य है, दोनों का नाम नितिन हमारा नियमित जो ये है पवन तिजारे, इन्होंने सरकारी अस्पताल में जाके गुणोत्तर रख दिया और 3 दिन में रोगी को ठीक करके रोगी ने इतना जबरदस्त, फार्मासिस्ट है वो। तो ये सारे काम जो चल रहे हैं सारे वैद्यों को एकजुट होना पड़ेगा, टिप्पणी करते हैं जानकारी के सिवा या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये सारी चीजों को दूर करना है और हमारे समाज को ये वरदान मिले। आप सबका बहुत स्तुत्य प्रयास है, मंगल प्रयास है, इसके अंदर हम जितना भी कर सकेंगे, हम तो कार्यकर्ता रूप में आप लोग बोलते हैं हम उस सम्मान के भी पात्र नहीं, लेकिन इस काम को आपने बिड़ा उठाया और आपने नवरात्रि में इसको जैसे बोलते हैं मुक्त द्वार के, अब आप समाज के लिए सामने आ गए कि भाई यही नवरात्र संदेश में रात में पड़ा, मैं बहुत बात देखता नहीं हूं, तो मैंने बोला हिते जी का पड़ा मंगलमय संदेश और उन्होंने बोला कि ये हम नवरात्रि में एक अनुष्ठान, तो बहुत ही अच्छी बात है। आज भी बहुत लोगों को लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को अभी संदेश भेजा है, देर से गया मेरे दूसरे काम में लगा था, और देश भर में सारे बचे 7 दिन जो रहेंगे ये सब अधिकतम देश भर में संदेश जाएगा, इसका हमारा प्रयास रहेगा। कोई संस्था कोई संगठन नहीं बचे उनके ध्यान में आए, अभी हमने गायत्री पर कई जगह कार्यशालाएं, आर्ट ऑफ लिविंग होगा, इस्कॉन होगा, प्रजापिता ब्रह्मा को स्वाध्याय पर हर एक के समझ में आए कि भारत की गौरव भारत का, और अभी पश्चिम से पुस्तक आ गई काउ सेव द प्लेनेट, ये गोवंश धरती पर चलता फिरता जीवन भारतीय देशी गोवंश, तो क्लाइमेट चेंज हो गया बाकी समस्याएं, तो ये सब इससे दूर होगी। तो इन सब में आपका सहभाग बना रहे और आप लोग अच्छे केंद्रों से गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र आप सबके लिए है, ऐसे केंद्रों का हमको पूरा जाल बिछाना है, तो हर वैद्य देशी गोवंश को लेकर आगे काम करे और अपने जीवन के अंदर इसका जैसे जीवन वृत्ति बन जाए, ये प्रार्थना करते हुए सबको नमस्कार, सबको जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद सर, आप बहुत मॉडेस्टली बोल रहे थे कि हम सब एक्चुअली हम सब एक जुट होकर ही ये सब कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर हितेश जानी जी से, इस नवरात्र को मंत्र प्रसाद से पावन करें। हमारे पास आज अभी 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो सर कृपया आप मंत्र प्रसाद से हम सबको कृतार्थ करें। दिखता है ना? हाँ जी। हाँ, तो आज जो हमारा ब्रह्मचारिणी देवी का जो मंत्र है, ओम एंग ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः, ये स्वाधिष्ठान चक्र में हमारे ऋषि मुनि हम भी कर सकते हैं, जो अभी हमको योगाचार्य हेमंगी ने बताया, तो स्वाधिष्ठान चक्र का जो स्थान है वहां हम ध्यान करते हुए, तो संयम तप और वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति माँ ब्रह्मचारिणी है, तो आप उसी मंत्र को आप ध्यान करें अंदर से, वो उसका स्मरण कंटिन्यूस रात को भी करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। और आज माता जी का जो प्रसाद है, भोग है, वो शक्कर मिश्री का भोग लगता है। आप जानते हैं मिश्री या शक्कर है वो ईख से गन्ना से बनती है, जिसको शुगर कैन कहते हैं, और वो जो है बड़ा पित्त सामक उसका प्रभाव है, वो शीतल है, मधुर है, वो पित्त का शमन करती है और वो अपने शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको कम करती है, रक्त का भी वो शमन करती है। तो मिश्री पूरे देश में पहले खाई जाती थी, आज उसकी जगह चीनी आ गई है। आपको मेरी गुजारिश है,
कि आप गन्ने की बनी हुई शक्कर यानी कि मिश्री का ही आप भोग लगाए उसमें नहीं, लेकिन आप अपने को भी वही खिलाए घर, क्योंकि ये जहर हमारे पास पहुंच गया है जो चीनी नाम का, उससे आप बचे। और आज श्री माता को हम मिश्री का भोग लगाते हैं और उसके साथ मंत्रोच्चार पूर्ण करते हुए हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर से तीसरी नवरात्रि के दिन आपको फिर से नई माता की उपासना का मौका मिलेगा। और ये पूरा कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो अपने गुजराती न्यूज, हिंदी न्यूज में, इंग्लिश न्यूज में और एक परिक्रमा नामक कार्यक्रम में उसके ये अंश है वो थोड़ा प्रसारित करते रहते हैं, तो आप उसका भी हमारे लोकायुक्त की वेबसाइट में आप जाके वहां से भी आप सुन सकते हैं और आपको लिंक भी भेज सकते हैं। पूरे भारत में पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम ये बन रहा है कि जिस तरह से अभी सुमान्य सुनील जी ने बताया कि ये सबको सुनना चाहिए, ये सिर्फ व्यक्तिगत संकल्प नहीं है, ये ज्ञान प्रवाह जो ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को दिया वो ज्ञान प्रवाह आपके पास कैसे पहुंचे, बस वही एक छोटा सा प्रयास है। कल नई शख्सियत, नए एक्सपर्ट के साथ, नए जो सोशल लीडर्स है उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। भारत में बहुत चल रहा है, बहुरत्न वसुंधरा, लेकिन भारत तो दुनिया का मुकुट है, भारत माता, और उसके इतने अच्छे लोग हैं, तो हम माता की उपासना करते करते हम हमारा मूल ज्ञान की बात बढ़ाएंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, आप सब हमारे साथ दोनों रात्रि जुड़े रहे। मैं तो ऑनर्ड हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम में, सर ने मुझे भी ले लिया तो बहुत अच्छा लगा। बेंगलुरु से मैं अभी इसमें हूँ तो आज तो और भी, कल से और भी अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ तो कल भी आएंगे, आशा है आप सबको मजा आया होगा। ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़ी सारी ऑडियंस को धन्यवाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं। मिलते हैं कल फिर इसी समय 9 से 10 बजे यूट्यूब पर डॉक्टर हितेजानी द्वारा माँ के तीसरे स्वरूप के साथ और आयुर्वेद की तीसरी औषधि, अन्य अविश्वसनीय फैक्ट्स और भूमि जी के संगीत, हिमांगी जी के नए योग स्टाइल और प्रज्ञा जी के नया जो ऋतु के शरद ऋतु के नए रेसिपी के साथ मिलेंगे। फिर से आप सबको धन्यवाद।